खरगोन में आज कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रवि जोशी ने मुहूर्त का नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान रवि जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा के दौरान मेडिकल कॉलेज महेश्वर में खुलने के कांग्रेस के वचन पत्र होने पर बड़ा पलटवार किया है। रवि जोशी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला मुख्यालय पर ही खोला जाएगा। बीजेपी के मेडिकल कॉलेज की घोषणा झूठी है। सीएम शिवराज सिंह ने हजारों झूठी घोषणा कर चुके हैं। सरकार ने अभी तक मेडिकल कॉलेज को लेकर नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये कांग्रेस के वचन पत्र में मेडिकल कॉलेज की एक बात आ रही है, उसको बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब यहाँ भूमि पूजन ही हो गया फिर महेश्वर के बीजेपी जो सवाल उठा रही है उनका आपके माध्यम से मैं सवाल करता हूँ कि सरकार के गजट नोटिफिकेशन में आज तक खरगोन का मेडिकल कॉलेज नहीं आया। पिछले 20-25 दिन पहले 3 मेडिकल कॉलेजों की सरकार ने स्वीकृति करी। सरकार झूठ बोल रही, शिवराज सिंह जी झूठ बोल रहे हैं सरासर, खरगोन की जनता को छल रहे हैं कि खरगोन को मेडिकल कॉलेज दिया नहीं दिया, केवल मुंह से दिया है। उनके मुंह से तो प्रदेश की जनता को 25,000 घोषणाएं करिए, कौन कौन सी पूरी हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में निश्चित मेडिकल कॉलेज खरगोन जिले में खुलेगा ये लिखा है, और उसमें है कि कांग्रेस की सरकार थी तो महेश्वर का उल्लेख मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था। सरकार बनेगी हम उसको जिला मुख्यालय पे लेके आएंगे, पूरी ताकत के साथ लेके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।